तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दया की एंट्री हमें तारक मेहता शो में बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। जैसे ही ये वर्ल्ड कप का सीजन खत्म होता है, वैसे ही दया की एंट्री होने वाली है। हालांकि ये बिल्कुल भी अभी तक तय नहीं हुआ कि कोई नई एक्ट्रेस दया का रोल प्ले करेंगी या फिर दिशा वगैरह वापस आएंगी, तो इस बारे में आई थिंक तारक मेहता शो के मेकर्स भी अभी तक श्योर नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, दया की एंट्री बहुत ही जल्द होने वाली है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 2 साल होने वाले हैं बिना दया के तारक मेहता शो चलते हुए। तो गाइस, ये तो तय हो चुका है कि दया की एंट्री बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार दया आने वाली है, मतलब 2 साल के बाद दया की एंट्री होने वाली है तारक मेहता शो में। तो तारक मेहता शो के मेकर्स इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे और डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसफुल तरीके से दया की एंट्री होगी, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। क्योंकि यार छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े बड़े सस्पेंस बना दिए जाते हैं, तो यार ये तो ऑलरेडी एक बड़ी बात हो चुकी है। तो इसमें तो यार बहुत लंबी स्टोरी चलेगी, दया की एंट्री से पहले एक बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसफुल स्टोरी चलेगी, वो तो यार हम सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना तो तय है कि दया की जो एंट्री होगी वो बहुत ही सस्पेंसफुल स्टोरी से होगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से तो होने नहीं वाली कि एक एपिसोड आया, मतलब सब कुछ सही चल रहा है और अचानक से दया की एंट्री हो जाए, तो ऐसा तो होने नहीं वाला। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो दया का इंतज़ार कर रहे हैं तारक मेहता शो में। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते तारक मेहता शो टॉप 10 में था, यानी कि 10वें नंबर पर था, और इस हफ्ते जो था नंबर 8 पर आ चुका है TRP रैंकिंग में। और अगर हम साल की शुरुआत देखें तो साल की शुरुआत में तारक मेहता शो नंबर 1 पर रहता था TRP लिस्ट में, फिर धीरे 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 कम आता गया, फिर टॉप 10 से भी बाहर हो चुका था। तो अब दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि बहुत टाइम हो गया तारक मेहता शो को कि वो टॉप 5 में भी नहीं आया। सवाल ये है कि क्या जब दया की एंट्री होगी, जो भी स्टोरी चलेगी, तो क्या उस टाइम पर तारक मेहता शो TRP लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर आ सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं कि तारक मेहता शो नंबर 1 पर आ जाए, मुझे तो यही लगता है। बाकी स्टोरी पर डिपेंड करता है कि दया की एंट्री तारक मेहता शो मेकर्स कैसे करवाते हैं, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि नंबर 1 पर आता है या नहीं आता। लेकिन हाँ दोस्तों, इतना तो तय है, मुझे पर्सनली लग रहा है कि एटलीस्ट टॉप 5 में तो आ ही जाएगा दया की एंट्री के टाइम पर। टॉप 5 में तो आ ही सकता है, बिल्कुल 100% पॉसिबल है। लेकिन नंबर 1 पर आ पाएगा या नहीं, ये टोटली स्टोरी पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है दया की एंट्री के ऊपर तारक मेहता शो की TRP में क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं फर्क पड़ेगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अभी तक भी अपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।